फर्स्ट टाइम क्या ऐसा मर्जर हो रहा है डिजिटल फिल्म एंड टेलीविजन वर्ल्ड में, एंड सो काइंड ऑफ बरखा ये बेचारी बहुत नर्वस है, अभी इनको जाके मैच खेलना है, उसके बाद भी यहाँ पे प्रेस के सामने खड़ी है, इंटरव्यूज दे रही है. द सीरीज इज कॉल्ड कपल ऑफ मिस्टेक्स, एंड सारे कपल्स बहुत सारी मिस्टेक्स करते ही हैं, और कपल कम भी मान सकते हैं और ज़्यादा भी मान सकते हैं. तो आपकी जैसे कपल ऑफ मिस्टेक्स क्या होती हैं बरखा? मेरी कोई मिस्टेक्स नहीं होती यार, बीवियाँ हमेशा करेक्ट होती है, मिस्टेक्स हमेशा हस्बैंड्स की होती है. जो आप देखेंगे भी हमारे शो में हमेशा करण नहीं अश्विन, एक्चुअली जो अश्विन है, अश्विन सारी गलतियाँ करता है, और मीरा मीरा इज़ अ गुड वाइफ. तो कपल ऑफ मिस्टेक्स इट्स मोर अबाउट यू नो स्लाइस ऑफ लाइफ, टंग इन चीक अबाउट हस्बैंड वाइफ, बेडरूम कॉमेडी. तो हम बेडरूम से बाहर भी निकलेंगे ऑफकोर्स, हम अपने अगले एपिसोड में गाड़ी में भी घूम रहे हैं, तो वो सब चीज़ें चल रही हैं. एंड इट्स ऑन यूट्यूब लॉन्चिंग टुमारो, विच आई एम वेरी नर्वस अबाउट. एंड थैंक यू एवरीबडी फॉर कमिंग हियर एंड सपोर्टिंग दिस कॉज. हॉट स्टूडियोज वी आर ऑल हॉट, एंड दिस इज माई टीम. आई इंट्रोड्यूस यू टू माई टीम ऑल्सो नाउ. सारे यंग लड़के हैं, मोस्ट ऑफ देम आर दे हैवंट वर्क विद प्रोफेशनल एक्टर्स बिफोर राइट आउट ऑफ कॉलेज. तो सबसे पहले मैं डायरेक्टर से शुरू करता हूँ. हमारा डायरेक्टर है, ये उम्र में वैसे ही छोटा लग रहा है और वैसे भी छोटा है. हिज नेम इज़ शुभम, ही इज़ द डायरेक्टर एंड एडिटर ऑफ द सीरीज. एंड देन वी हैव आर DOP हु इज़ अक्षय, ही इज़ द वन हु इज़ हैंडल्ड यू नो द आई बिहाइंड द कैमरा. एंड अनुज, ही इज़ द गाय हु इज़ गिवन म्यूजिक एंड बैकग्राउंड स्कोर फॉर द सीरीज. तो अभी ऑफकोर्स आप काम नहीं देख पाएंगे क्योंकि कल लॉन्च होने वाला है, थोड़ा सा हम स्निपेट चलाने वाले हैं अंदर जिसमें पता लगेगा आपको कि किस बारे में है, लेकिन दिस इज द टीम एग्जैक्टली. तो कैप्टन ये है शिप के, छोटी सी टीम है हमारी, हाँ, बट और प्लेयर हम दोनों हैं, फुल टीम. सारी जो है वो हमारी लाइफ की तो है. आप जो भी एपिसोड्स देखेंगे वो या तो करण की लाइफ की है या मेरी लाइफ की है. जो मैं मेरे हस्बैंड के साथ बहुत सी जो चीज़ें होती हैं वो काफ़ी कुछ आई थिंक आपको देखने को मिलेंगी. तो मतलब एक कोई मिस्टेक पूछना इज़ लाइक क्या बोल सकते, मतलब जब शादी के बाद तो हज़ारों मिस्टेक्स होती है, सो वो होती रहेगी हमारे एपिसोड्स में, आप देखते रहेंगे. सारी मिस्टेक्स हस्बैंड्स की होती है, जितनी जल्दी ये मान लिया जाए उतना अच्छा, उतना अच्छा है शादी के लिए. इनकेस यू एफ अप योर वैलेंटाइन, दिस इज द टाइम टू मेक अप फॉर, सो दैट्स द रीजन अगले दिन. हाँ हाँ, तभी मैं एफ रखते हुए, दिस इज द टाइम टू मेक अप फॉर इट. एक्चुअली आई थिंक इट्स इट इज द यू नो द हफ्ता आने वाला, इट्स द वीक, इट्स द मंथ ऑफ लव. सो ऐसा नहीं है कि मतलब अश्विन और मीरा सिर्फ लड़ाई करते हैं, बहुत प्यार भी है हम दोनों में. सो दैट्स व्हाई वी चोज दिस मंथ आई थिंक, बिकॉज इट्स जस्ट अ मंथ ऑफ लव. एंड आपको असली अश्विन से मिलाना बहुत जरूरी है जो यहीं पर है. असली अश्विन इज हाइडिंग समवेयर. नील इज द असली अश्विन जिनसे हम इंस्पायर होके स्टोरीज बना रहे हैं, और बहुत सारा कॉन्टेंट और एमिनेशन मुझे इनसे मिलता है. तो असली द रियल हस्बैंड, द रियल हस्बैंड इज हियर. एंड नील क्या कहना चाहेंगे आप, आपके हमने इतनी सारी मिस्टेक्स, हमारी लाइफ से काफी इंस्पायर्ड है, मिस्टेक्स सबके सामने आने वाली है. ए इनकी नहीं है यार, हमारी भी है, सबसे पूछो. आपकी भी, आपकी होगी शादी, आपकी होगी ना, आपसे भी लूंगा थोड़ा बहुत. हां ये सब सब पतियों की कहानी है. सो या हम जब भी आते हैं, टॉपिक भाई ट्रक हटवा दो यार, बड़ा गंदा लग रहा है, सॉरी प्लीज. जब भी हम आते हैं करण से मिलने, कभी साथ में हैं, तो करण यूजुअली मुझे देखता रहता है, घूरता रहता है. तो मुझे लगता है अजीब सा लगता है ना, कोई घूर रहा है आपको. कोई उससे मुझे बताया कि नहीं, मैं तुम लोगों को नोटिस करता हूँ और देखता रहता हूँ क्या इक्वेशन है क्या है, वहाँ से स्टोरीज कलेक्ट करने की कोशिश करता हूँ. एक सहमा सा इंसान अगर दिखे आपको, आप उसको सपोर्ट करने का, आपको सपोर्ट करने का मन करेगा कि नहीं? अभी भी मतलब बड़ी दूर से बुला के लाना पड़ा कि नील असली अश्विन कहाँ पर है, तो ये आना है, मुझे ही बुलाया जा रहा है. वाइफ इज सेम कप. तो ये सब चीज़ें मुझे ऑफकोर्स रियल लाइफ कपल्स जो हैं उनसे मैंने सीखी हैं, इनसे काफ़ी सीखी हैं. एंड बरखा इज बीन, आई डोंट नो इफ शी टेक इट एज अ कॉम्प्लीमेंट, शी इज बीन नेचुरल इन दिस, नेचुरल. और ये बच्चे हैं हमारे, इनसे भी प्लीज कुछ पूछा जाए. शुभम फर्स्ट टाइम डायरेक्टिंग प्रोफेशनल एक्टर्स आउट ऑफ कॉलेज, कैसा लगा आपको दो स्टार्स के साथ काम करके? नहीं झेलना कुछ नहीं पड़ा, ऑलरेडी हम लोग को इतना ज़्यादा मिल गया एक्सपीरियंस की शादी के बाद, जो जो
मिस्टेक्स ना हो पाए हम लोग से, वो कोशिश करेंगे. और बचपन से सपना था वर्खा मैम के साथ और करण सर के साथ काम करने का. बचपन से माय गॉड, तेरे को नहीं छोड़ूंगा. ठीक है, शादी में तो कितना मुश्किल हुआ मतलब सब चीजों में. हां मुश्किल तो थोड़ा हुआ तो करण सर के साथ वक्त बिताने से, वर्खा मैम के साथ वक्त बिताने से. ये बोल ही रहा है तो बोल देता हूं, इसको मुश्किल नहीं हुआ, इसको क्लासेस इतनी मिल गई है क्योंकि इसकी एक नहीं तीन तीन चार चार कैमरे में पता लगने वाला है. तो अब वो हाँ मतलब सब एक्सपीरियंस मिल रहा है इसको. थोड़ा सा एक्सपीरियंस मिल चुका है. How different is this from other web series and other things that we have seen before? तुम बोलो डायरेक्टर. मैं अच्छा डायरेक्टर मैं बोलूँ. बहुत डिफरेंस है क्योंकि ये स्केच है और काफ़ी मोर रियल है कि मतलब रियल लाइफ की स्टोरी आप वेब पे दिखा रहे हो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है. मेजर डिफरेंस ओवर हियर इज अ मर्जर बिटवीन major difference over here is that it is a merger like this has never happened between digital film and Bollywood. They don't like to say it but of course Hindi film industry, television or digital ka pehla mishran dekhne ko milega. Aapke bahut sare mere hamare in fact film friends hain jinhone support kiya hai. They've seen me in other web series and they knew that something good is going to come up. That's why hot kya hai ye kal sabko pata lagne wala hai aur ye bahut hi alag hone wala hai. एक एक करके करो पहले कहाँ से. हाँ वही हमारा डी ओ पी है, इससे भी पूछ लो. सबसे पहले तो इसको हमने डरा के रखा हुआ था. हिज नेम इज अक्षय. अक्षय वुड यू लाइक टू से समथिंग अबाउट दिस व्हाट शूटिंग के दौरान. वेल बहुत नया एक्सपीरियंस एक्चुअली जो इनका एक्सपीरियंस है लाइक इट वो हमने आज तक एक्सपेक्ट नहीं किया था जिस लेवल पर इन्होंने काम किया है. तो थोड़ा नर्वस हुआ एक्चुअली. सो यूजली कैमरा के बिहाइंड रहता तो कैमरा आगे आगे बोलना तो थोड़ा सा अलग फील होता है. तो या इट वाज अ गुड एक्सपीरियंस. और क्या बोलूंगा मैं. तो बेसिकली शूटिंग के समय एक्सपीरियंस एक्चुअली करण और मैं एक दूसरे को बहुत सालों से जानते हैं, मतलब बहुत सालों से. आई थिंक जब मेरी शादी नहीं हुई थी. शादी नहीं हुई थी. हां शादी नहीं हुई थी. ऑलमोस्ट हुई थी, मतलब तब से जानते, मतलब बहुत साल हो गए बचपन से. हां मतलब हम लंगोटिया दोस्त हैं, एक दूसरे को जानते हैं. सो वर्किंग विद हिम वाज वेरी कंफर्टेबल यू नो. एंड आई थिंक बहुत छोटी टीम है, जैसे आप देख सकते हैं हम चार लोग हैं जो शूट करते हैं. तो हम हमेशा हंसते रहते हैं, मस्ती करते रहते हैं, मतलब पूरा दिन कैसे निकल जाता है पता ही नहीं चलता है. और यू नो हम शूटिंग से टाइम से पहले पहुंच जाते हैं, करण के घर में सब बैठ कर चिल करते हैं. शूटिंग खत्म होने के बाद उसके घर में बैठे रहते हैं. सो इट फील्स लाइक होम. इट्स वेरी कम्फर्टेबल. इट्स अ लॉट ऑफ फन. इट्स लाइक अ फैमिली फीलिंग. हाँ है ना. एंड वेरी डिफरेंट. जो हम नॉर्मल अपने जो डेली सूप्स करते हैं उससे बहुत अलग है क्योंकि वैसे वो इतना काम का वो प्रेशर नहीं रहता. एंड हम कुछ इतना रियलिस्टिक करते हैं. आधे से ज़्यादा टाइम हमारे पास डायलॉग्स भी नहीं होते. हम मैं और करण मतलब जो मन में आता है बोल देते हैं, मतलब जैसे लाइक रियल हस्बैंड वाइफ. हम सिचुएशन क्रिएट करके कुछ भी बोलते हैं. सो वी आर एक्चुअली वेरी रियल. सो दैट्स व्हाई इट्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम व्हाट आई हैव डन बिफोर. थैंक यू.